हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे कोरोना कंडीशन में। मैं भी अच्छा हूँ। मेरा नाम परितोष कुमार हुआ और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, टीचर भी हूँ, कैडर भी हूँ और बहुत स्टूडेंट भी हूँ सबसे पहले। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा कि आखिर में टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, आखिर में लक्ष्य क्यों हम अचीव करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी टारगेट अगर चुनना है या पाना है तो सबसे पहले उस टारगेट को पहले पहचानिए कि आपको वो टारगेट चाहिए क्यों, किस लिए चाहिए। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपने वो कहानी सुनी होगी। कहानी क्या, परफेक्ट आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपने महाभारत देखी होगी, पांच भाइयों की कहानी आपने सुनी होगी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। अर्जुन को छोड़कर बाकी सबको गुरु ने बोला कि सामने क्या दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है। सबको कुछ नहीं दिखा, किसी ने बोला हमको ये दिख रहा है, किसी ने बोला ये वो दिखा, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे वो चिड़िया दिख रही है, वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा टारगेट है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने टारगेट को पहचानिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। वो आपने गाना सुना भी होगा, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊँ। तो क्या करूँ कुछ ऐसा कि हो जाऊँ, मतलब क्या कुछ ऐसा किए कि सब लोग आपके दीवाने हो जाएं? तो उस टारगेट को पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी सारे को आप अपने पीछे घुमा सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ आपको एक बात, ये कि ज़िंदगी में आपको कुछ भी बनना हो, कुछ भी करना हो, तो करने का सोचिए मत, कर डालिए, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको ये पछतावा रहेगा कि आखिर आपने वो काम क्यों नहीं किया। और वो आपको मरते मरते मतलब मरने भी आपको टाइम से नहीं देगी, वो मरते मरते भी आपको वो बात सताएगी कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। ओके, मैं हूँ आप परितोष कुमार, आपका दोस्त। थैंक यू।